नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। एक दूसरे को आईना दिखाने वाली बीजेपी और कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ को लेकर एक सुर में बोल रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं का कहना है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है। इसे लेकर 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान चंडीगढ़ को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले दिल्ली में चंडीगढ़ को लेकर बीजेपी के नेता और सांसद डिनर टेबल पर विचार विमर्श करेंगे। तो वहीं दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में चंडीगढ़, एसवाईएल और विधानसभा के विशेष सत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो उधर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव पर मंथन किया गया। और चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठ करके रिजोल्व करने का है, यूनिलेटरली ऐसा कोई असेंबली में पास करने का है, इस प्रकार का नहीं है। आते ही सत्ता आए हुए 4 दिन नहीं हुए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाना, मुझे लगता है जरूर इसमें कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है, और छुपे मकसद को जनता समझेगी, खास करके पंजाब की जनता जरूर समझेगी, और उनके इस प्रकार के मकसद को कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। चंडीगढ़ पंजाब की, हरियाणा की, दोनों की राजधानी, पूरा प्रदेश, प्रदेश की जनता, सत्ता के सब लोग, चाहे विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, सब इस मामले में एक है। तो वही पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर तनातनी जारी है। इस मसले को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से 5 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की आप सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब की आप पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक, गलत, पंजाब के लोगों को बरगलाने वाला और हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला था। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से अपना हक जताया है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम लोग पूर्ण रूप से, ये जो मुद्दा है ये अपने आप में संवेदनशील है और हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके की जो प्रस्ताव हैं या जो भावनाएं हैं, आप पार्टी खासतौर से, मैं उससे भी उनके नेतृत्व से सवाल करना चाहूँगा। एक तरफ आप हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ आप हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के हितों के विपरीत आपकी पार्टी के जो जो सिरमौर तो नहीं पर लेकिन जो मुख्य नेता हैं वो भी इस तरीके की प्रस्ताव ला रहे हैं, तो क्या आपकी क्या उस पे, आपका स्टैंड उस पे क्या है? चंडीगढ़ के जंग पर आइए पैनल की ओर चलते हैं, मिलवाते हैं पैनल से, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस से प्रियंका हुड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से डीपी कौशिक साहब हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं मैं। कौशिक साहब, शुरुआत में आपसे कर लेती हूं, कल विशेष सत्र बुलाया है आपने, लेकिन उससे पहले ही आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है विपक्ष का। पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस सुर में सुर मिला रही है। देखिए अनामिका, अच्छी बात है, विपक्ष की ये थोड़ी कि बाहर का विपक्ष है, विपक्ष हमारे हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए तो बैठा होगा ना, और उनको मिलाना भी, मिलना भी चाहिए, बात करनी भी चाहिए। ये खाली ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता को, हरियाणा प्रदेश के लोगों का मुद्दा है, उनका मैटर है ये। और इसके मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब विपक्ष का भी जो हमारे साथ मिलके हम इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब सरकार जो मर्जी बोले और हम उसको उसका वो करेंगे, ये सब चीजें ठीक नहीं है। कल 2-3 की सरकार में अगर ये सब चीजें आती हैं, अपने आप को हरियाणा के हितैषी बताने वाले या हरियाणा के प्रदेश के रहने वाले,
हैं, हरियाणा की जनता के साथ ऐसे कैसे धोखा कर सकते हैं? और फिर क्या वो पंजाब के लोगों को बहका रहे हो, ना कि हरियाणा के लोगों को? तो इनके बहकाव में ना तो पंजाब के लोग आने वाले, ना चंडीगढ़ पर अपना रुख क्लियर करते हुए प्रदेश कांग्रेस ने जहां सपोर्ट किया है आपको चंडीगढ़ पर, एक ही राग अलापते हुए कि वो हरियाणा का है और पंजाब की उन्होंने भी निंदा की आपकी तरह, वही उन्होंने आपको घेरा है। कुमारी शैलजा कह रही है कि बीजेपी ने अभी तक क्या किया इसे लेकर, ये ठीक बात है कि आपने विशेष सत्र बुलाया, लेकिन विशेष सत्र पर किरण चौधरी ने आपसे पूछ लिया ये कहते हुए कि आप केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था तो किसने किया था? तो यहाँ किसकी सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पंजाब में किसकी सरकार थी? ये इस तरह की बातें करना विपक्ष के लिए भी, तो मैं कहता हूँ विपक्ष का है ना सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य यही आया है कि सच्चाई को सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, वो इसलिए खत्म होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, साथ देने की बात आप कह रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। कुमारी शैलजा कह रही है कि उंगली काट कर शहीद होना चाहती है सरकार, तो आप कितने शहीद हो गए कांग्रेस में रहकर बताइए? आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को उस टाइम पे क्या एक्शन लिया था है? आपके रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था? यही केजरीवाल उस टाइम क्या कहते थे? ये अपने आप पर भी देखो ना, आप सरकार में आप ही रहे हो, दोनों तरफ आपकी सरकार थी, वहां पर भी यहाँ पर भी दोनों जगह, फिर आपने क्या किया? ठीक है सर, आ रही हूँ। प्रियंका हुड्डा जवाब दीजिए। हमारा जो हरियाणा कांग्रेस, जो हरियाणा में कांग्रेस का आपका संगठन है और कांग्रेस का रुख है, वो शुरू से बड़ा क्लियर है कि हम हरियाणा के हितों का हनन नहीं होने देंगे। हमारा तो एक सिंपल सा सवाल है, आप 7 साल सरकार में रहे और विपक्ष में रहते हुए हमारा पूरा हक बनता है कि हम आपसे हरियाणा के हितों के बारे में सवाल पूछे। तो आपने SIL से क्या किया पिछले 7-8 सालों में? कितना SIL आपके टाइम में बना? SIL इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्प्यूट। जितना चंडीगढ़ है कि भाई 60-40 रेशियो होना चाहिए, और आपके 7 साल में आप कितना हरियाणा का हक पूरा, कितना विधानसभा में आपको कितना हक है, कितने कमरे आपको मिले, कितना क्या है, आपने क्या किया, प्लीज लेबोरेट कीजिए। हमने कोशिश की थी, हमने पूरा पूरा काम किया। SIL जितनी बनी है हमारे टाइम पे बनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दिया गया था यूपीए सरकार की, जो हमारी अध्यक्षता अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की तरफ से ही बोलने के बाद ही बोला गया था, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को प्रेजिडेंशियल रेफरेंस देते हैं कि भी इस केस को, दो स्टेट के बीच में केस है, इंडिया जो है वो फेडरल है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, सभी स्टेट का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेंटर अपनी बात सोच सकता है, हमें सबकी जैसे एक परिवार होता है, तो हरियाणा पंजाब जो है वो दो भाई है। अब उनका जो परिवार का मुखिया है, दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए, दोनों को तर्क को देखते हुए ही तो उसका फैसला करेगा, ऐसा तो नहीं है उसको थोप दिया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपका 2016 में आया, उसके बाद आपने क्या क्या किया, उस टाइम तो आप ही थे। ठीक है कौशिक साहब जी, आप लोगों ने 70 साल रहे, आपने राजनीति कहाँ से शुरू की? आप लोगों ने पानी पे राजनीति शुरू की, आपके टाइम पे जो रेफरल आपके टाइम पे हुआ, आप फिर आप लोगों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होने के बाद ही आपने क्या किया, और हमने कौन सा भी वो कर दिया? हम लोग देखिए, ये मुद्दा खाली सरकार का सत्ता पक्ष का नहीं होता, ये हम दोनों विपक्ष भी इसके साथ मिलकर इस चीजों को शॉर्ट आउट करना है, क्योंकि बात हरियाणा हितों की बात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा सत्र स्पेशल बुला के इस चीज का कि आप लोग इस पर डिस्कस किया जाए, ये हमारे बड़े कि हम लोग आपसे बात के साथ मिलके आपके विचार सुनेंगे। विशेष सत्र बुलाकर आप लोग केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा किरण को क्यों लग रहा है? किरण चौधरी जी पूछिए ऐसा क्यों लग रहा है उनको, ये कोई ये आरोप पर है ना, तो जवाब ना प्रदेश के हितों के लिए, ना हम दूर है ना आप दूर है। मैं कह रहा आरोप देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है, लगाएं। हम तो चीजों को समझते हैं ना, मानते हैं इन बातों को, और अच्छे काम के लिए आरोप लगाएं, हम उस चीज को सुनते भी है, इसलिए हमने सबको बुलाया है, पूरे विपक्ष को भी आइए, आप लोग विचार रखिए, और इसके साथ ही लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे सारे मिलकर, तो इसमें तो अच्छी बात है ना। विचार विपक्ष मतलब ये क्यों लगाए? अरे कल का विचार तो सुनिए आप, कल का दिन आने दीजिए, खाना पूर्ति क्या करें आप, पहले ही रिजल्ट निकाल देते हैं। प्रियंका हुड्डा क्या वाकई आप लोगों को लग रहा है कि सरकार उंगली काट कर शहीद होना चाहती है? प्रियंका हुड्डा आवाज उठाएं, प्रियंका बोलिए। आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, मैं दोबारा आ जाऊंगी।
उंगली काट कर आप शहीद होना चाहते हैं क्या? किरण चौधरी को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने देर कर दी विशेष सत्र बुलाने में, या पहले ही कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है? कांग्रेस बार बार इस पर बयान दे रही है, पहले भूपेंद्र हुड्डा का बयान आता है हर कुर्बानी को तैयार, किरण चौधरी का बयान आता है कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, पंजाब का प्रस्ताव निंदनीय है, आज कुमारी शैलजा बोली है उंगली काट कर आप शहीद होना चाहते हैं, हालांकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरते हुए ये कह रही हैं कि पंजाब में जिन वादों के साथ आए थे, वादों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे आप अपना रही है वहां पर, लेकिन आपसे भी वो पूछ रही हैं ये सवाल कि अभी तक आप कहां थे, कुछ किया क्यों नहीं? कौशिक साहब, अनामिका देखिए, तीन दिन की सरकार अभी एकदम से ये चीजें मुद्दे लेकर आई है, तो आप ये मत मानिए हरियाणा इतनी जल्दी हार मानेगा। हम लोग बताए ना, माने मुख्यमंत्री का बड़पन देखिए, जितना जल्दी बुला के इन्होंने कल नीचे पे विचार विमर्श करेंगे और अपना जो हक है, देखिए हरियाणा की एक बात तो मान लीजिए, हम हरियाणा वासी है, अपनी एक इंच जमीन चाहे वो कोई हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम नहीं देंगे। हमारा पूरा हक 40% का हमारा हक बनता है, हम चंडीगढ़ का भी लेकर ये कांग्रेस बीजेपी वाली बात हो गई, अब हक की बात चूंकि आप कर रहे हैं तो आ जाते हैं सर हक पे। 60-40 पर आप लोग वहाँ पर रहेंगे या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से वहाँ नियम कायदे लागू होंगे? सेंट्रल सर्विस रूल्स को लेकर पूरा बवाल, ये पूरा झमेला खड़ा हुआ। सेंट्रल सर्विस रूल्स जो आप लोगों ने लागू कर दिया, अमित शाह ने लागू कर दिया है, वो ज्यों का त्यों रहेगा क्या? हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि वो 60-40 के साथ है, अगर आप 60-40 रखते हैं तो ठीक है, सेंट्रल सर्विस रूल्स हटा लीजिए, नहीं तो फिर वो मान साहब के प्रस्ताव का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्लियर कीजिए, सेंट्रल सर्विस रूल्स जो कहते हो रहेगा क्या? 60-40 अगर हट रहा है तो चंडीगढ़ किसका, ये सवाल तो बनी रहा है। SYL के पानी समेत तमाम मुद्दे हाईकोर्ट को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, तमाम मुद्दे जो है वो खड़े हो गए हैं कि उन सब पर फैसला किया विशेष सत्र में। क्या केवल चंडीगढ़ की जंग रहेगी या राजीव लोंगोवाल के समझौते की एक एक क्लॉज पर बात करेंगे आप लोग? देखिए नामिकली सत्र, प्रियंका अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप जरूर बोलिएगा, सभी विषयों पर बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सरकार चलिए, आपकी आवाज अब आ रही है, मैं कौशिक साहब से होते हुए आ रही हूँ। कौशिक जी बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है, तो इतना सेंसिटिव मुद्दे पे क्या नाम है अनामिका, हम लोग बड़े बिल्कुल निश्चिंत ही पूरे सभी विषयों पे चर्चा होगी और अच्छे तरह साथ विपक्ष के साथ बैठ के इसका माननीय पूरा जो सत्र है वो ठीक है, चर्चा तो होगी सर, इतना प्रभु चर्चा आप करेंगे महाराज, जो बोल रहे वो हमें पता है कि आप चर्चा करेंगे, चर्चा तो होना ही है, चर्चा विशेष सत्र से पहले भी आप भी कर रहे हैं, आपका विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन क्या ये एक्शन का टाइम नहीं आ गया है? कब तक इस तरह से चलेगा ये तकरार, कब तक हम देखते रहेंगे, कब तक चंडीगढ़ की लड़ाई चलेगी, SYL की लड़ाई चलेगी? एक्शन 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 भी तभी होगा, तब पूरा सत्र बुलाकर सबके साथ विचार विमर्श किया जाएगा, भाई आगे की रणनीति क्या क्या, हम लोग किस रणनीति के तहत लड़ाई लड़ेंगे, ये तो वही होता ना। जब हम एक्शन की बात करते हैं डीपी कौशिक, दो एक्शन हो, मतलब चंडीगढ़ को लेकर और 60-40 को लेकर, हरियाणा पंजाब के आपस की बात को लेकर हरियाणा सरकार के एक्शन की बात हो गई, दूसरी बात हो गई सेंटर के एक्शन की, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से कुछ होने जा रहा है क्या, जल्दी बता दीजिए तो मैं प्रियंका हुड्डा की तरफ आगे बढ़ूं। देखिए कल सत्र में जो भी डिसीजन होगा सारे मिलकर डिसीजन लेंगे, केंद्र वाली बात पर नहीं बोल रहे आप? नहीं हो ना, कल डिसीजन जो भी माने हमारी सरकार लेगी, विधानसभा में लेंगे ना सर, ये तो प्रदेश कांग्रेस लेगी ना, प्रदेश कांग्रेस ये लेगी ना यूनियन टेरिटरी के तौर पर, जैसे अमित शाह ने लागू किया वहां पर, लोगों की लंबित मांग थी, सेंट्रल सर्विस रूल्स आप लेकर आए, क्या कह रहे हैं आप, कल तक वेट करें हम? बिल्कुल वेट, ठीक है प्रियंका हुड्डा बोलिए। ठीक है प्रियंका, देखिए कुछ चीजों में ना आपकी जैसी पार्टी, हमारी पार्टी की, हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, जहां तक हरियाणा के हितों की बात आती है, चाहे वो चंडीगढ़ को लेके हो, SYL लेके हो, हम वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, जो हमारा है 1 मिलीमीटर भी हम जाने नहीं देंगे। अब भाजपा पे शक क्यों होता है, बात ये है जो पिछले 7 सालों में जितनी SYL की आपकी जमीन थी
जितना खुदाई जितनी हुई थी वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुई थी, वो एरिया भी आप वापस देते जा रहे हैं, जो कंपनसेशन है जिसकी किसानों के लिए थी वो भी जाते, मतलब कोई मंशा तो है नहीं FIL को उठा के। दूसरी बात जो ये चंडीगढ़ का मामला है 740 का, जो सेंटर से डायरेक्शन आए हैं सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स का, तो बड़ा ये अटपटा सा टाइमिंग है कि भाई आप 2024 के इलेक्शन को लेके, और बड़ा लगता है कि आप उससे भी क्लियर नहीं है। तो सतन तो वहां जो आएगा आएगा, बाकी तो आपका भी कुछ स्टैंड होगा। तो डीपी कौशिक साहब से मैं बस एक बड़ी सिंपल बात पूछना चाहती हूँ, बींग हरियाणवी, उनका स्टैंड क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा को 40% मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इवन पार्टी का स्टैंड भी और उनका स्टैंड भी, प्लीज आप मेरी तरफ से उनको रिले कर दीजिए। कौशिक साहब, प्रियंका जी एक बात तो मान लीजिए आप, हम हरियाणा वासी हैं, हम अपना हक लेना जानते हैं, और आप हमारे इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं, ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक इंच जमीन जो हमारा हक बनता है हम उसको लेकर रहेंगे, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की मतलब सोच ही नहीं हो सकती दूसरी कोई। 60-40 पर तो आम आदमी पार्टी भी आपके सपोर्ट में है ना, वो कह रहे आप 60-40 रहने दीजिए, आप सेंट्रल सर्विस रूल क्यों लागू कर रहे हैं? ये उनका सवाल है, माननीय अमित शाह जी ने कही है, मैंने कहा ना सरकार ये सब चीजें, हाँ तो देखिए ना अनामिका, कल का इंतजार कीजिए ना, सरकार क्या गाइडलाइन लेकर आती है, कल तक आप इंतजार कीजिए, आप लोगों के सबके सामने आएगी चीजें। ठीक है प्रियंका, उठा एक सवाल आपसे भी, बिल्कुल आप अपनी बात पूछ लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज आप लोग भी बैठकों पे बैठकें कर रहे हैं, कुमारी शैलजा ने अलग बैठक की, विधायक दल की बैठक भूपेंद्र हुड्डा अभी दिल्ली में ले रहे हैं, मैडम अलग अलग बैठकों का मतलब समझ में नहीं आया। मैडम हमारी जो पार्टी है थोड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब इसका इतिहास ऐसा तो है नहीं कि धक्का चाहिए है। तो ठीक है, मैडम शैलजा ने यहाँ पर जितने भी एरिया के आपका था उनको कवर किया, और हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से दिल्ली में बैठक की। तो हम दोनों तरफ से, दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के हितों का हनन ना हो, दोनों टाइम आने पर दोनों इकट्ठे मिलके, अगर हमारी जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है, सवाल इसलिए आया प्रियंका क्योंकि इकट्ठे बैठे ही नहीं, विधायक दल की बैठक हुड्डा साहब कर रहे थे, कुमारी शैलजा ने वो बैठक नहीं ली, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने वो बैठक नहीं ली, उनकी बैठक दूसरे वरिष्ठ नेताओं की तरफ से हुई है, और मतलब उन्होंने वो बैठक ली है, और हुड्डा साहब अलग बैठक कर रहे हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल की पाठशाला के बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई क्या? जी गुटबाजी तो देखो ऐसा मैं नहीं कहूंगी, गुटबाजी मेरे लिए तो दोनों ही शीर्ष नेतृत्व है, दोनों अपनी तरफ से अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, स्पोक्स पर्सन होकर आप थोड़ी ना मान लेंगी, हमारे लिए तो दोनों ही हमारे शीर्ष नेतृत्व है, और जैसे उनकी डायरेक्शन रहती है दोनों की तरफ से, जो भी हम उसे फॉलो करेंगे, और हमने पूरा अपना रोडमैप तैयार किया है। तो एक ही हो सकता है ना, प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही हो सकती है जी, मगर CLC लीडर भी तो है ना हुड्डा साहब हमारे, और चीफ सेक्रेटरी और CLC लीडर दोनों मिलके काम करते हैं, विधानसभा में हुड्डा साहब काम करते हैं, और बाहर शैलजा मैम जो पूरा भी पार्टी का स्ट्रक्चर वो मैम बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि गुटबाजी है, ये तो देखने का नजरिया है, अगर आप हमारी तरफ से देखेंगे तो ठीक है, इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई प्रियंका, वाकई प्रियंका गुटबाजी नहीं है, वाकई ईमानदारी से बोलिएगा, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, लफ्ज कुछ कह रहे हैं, पूरा देश ऐसा कुछ कुछ नहीं है ना, ये पार्टी जो है वो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर किसी को, इवन मुद्दे जैसे डेमोक्रेटिक अलग अलग बैठकें कर रही है, एक ही मुद्दे पे हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, धक्काशाही नहीं है, या ऐसे नहीं है कि सेंटर से CM बदल दिया जाएगा 3 महीने बाद फिर दूसरा बदल दिया जाएगा, नहीं, जो लोग चुन के भेजेंगे वही CM रहेगा, जिसको लोग ने चुना है वही रहेगा, वही कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे ऊपर से धक्काशाही नहीं है। लेकिन एक वक्त धक्काशाही सांसद हुआ करते थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो वहाँ से जाके TMC में गए, आपसे नाराज होकर TMC में गए, आज आपके हो गए हैं, धक्काशाही नहीं है। पता है क्या होता है, आपकी ना कन्विक्शन होती है, इवन ये तो टाइमिंग है, देखो कभी भाजपा का कभी कांग्रेस का, अब आपने थोड़े दिन पहले अगर जैसे हमारी मेरी कांग्रेस के साथ विचारधारा मिलती है, कभी मैं पार्टी के साथ हूँ, अशोक तंवर जी की विचारधारा JNU से पड़े हुए हैं, शुरू से कांग्रेस से मिलती थी, पता नहीं किन कारणवश उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जो भी उनके मतलब एक कन्विक्शन होती है, जस्ट पावर में बैठने का मतलब तो पॉलिटिक्स करना नहीं होता ना, राजनीति का मतलब
रिप्रेजेंट करना चाहते नहीं, मैं हैं बस जो हमारा जानना चाह एरिया रही थी हमारे कि राहुल विचार। गांधी ने पाठशाला लगाई थी और डिसिप्लिन मेंटेन करने को कहा था, उसका क्या रिजल्ट रहा? क्योंकि आज उसका हमें कुछ नतीजा दिखा नहीं। हमारा मकसद चुटकी लेना नहीं था, और ये सवाल जरूरी हो जाता है कि मुद्दा एक ही है, लेकिन फिर भी कुमारी शैलजा अलग बैठक कर रही हैं, तमाम विधायकों की बैठक अलग हुड्डा साहब कर रहे हैं, तो इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि डेमोक्रेटिक है, अगर आप कह रही हैं कि गुटबाजी नहीं है, तो मान लेते हैं चलिए कि गुटबाजी नहीं है। सवाल इसलिए भी क्योंकि कुमारी शैलजा ने अभी कुछ मिनटों पहले ही कहा कि उंगली काटकर शहीद होना चाह रही है सरकार, लेकिन क्या प्रदेश कांग्रेस की सारी उंगलियां एक साथ मिलकर एक मुट्ठी बनाती हैं? प्रियंका, बिल्कुल जी, वक्त आने पे हम सारे एक साथ खड़े होते हैं। आप पीछे भी देखेंगे जितने भी हमारे धरने हैं, और जहाँ जरूरत पड़ी है हुड्डा साहब और शैलजा मैडम दोनों इकट्ठे आके खड़े हुए हैं। ऐसी कोई कहाँ बात नहीं इकट्ठे है, तो खड़े हुए कहाँ? चंडीगढ़ है, कहाँ दिल्ली है? विवेक बंसल और शैलजा चंडीगढ़ में बैठे कर रहे हैं। नहीं 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 अनामिका, एक आधा फोटो मंगाइए प्रियंका जी से। फोटो भी देंगे, फोटो भी देंगे। मैडम एक मेरा भी सवाल है, अगर आपके हो गए पक्का भाई साहब। अब मैं कौशिक साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये भाकड़ा ब्याज बोर्ड था, मतलब आप किरण चौधरी जी का जो सवाल था कि बस खाना पूर्ति है, उसमें हरियाणा की भी सदस्यता होती थी या नहीं होती थी? उसको खत्म करके हरियाणा के आपने हितों का हनन किया या नहीं किया? उसके रूल उस तरह से चेंज कर दिए गए कि हरियाणा के जो सदस्य हैं उनको वहां सदस्यता नहीं मिले, तो दैट वॉज अगेंस्ट हमारे हितों के अगेंस्ट है। डीपी कौशिक, प्रियंका हुड्डा होमवर्क करके आई है, प्लीज सर इलाबोरेट जवाब दीजिए। अनामिका, अच्छी बात है, एक प्रवक्ता को करना भी चाहिए, ठीक है ना? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार की बात करूं तो वो किसी पिछले पिछले 8-10 डिबेट से मैं देख रही हूँ डीपी कौशिक जी, आप लोगों ने ये कहना बंद कर दिया है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अब आप लोग कहते हैं अच्छी बात है, इनको सवाल करना चाहिए। बोलिए, आगे बोलिए। करना चाहिए, और जब तक जब इनको लोग नहीं सुनेंगे तो फिर कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी ना। जिंदा रखने के लिए तो होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर। पर आप ये क्यों चाह रहे हैं कि ये क्यों मान रहे हैं कि हमने हमने हरियाणा के हितों के लिए इतना वो किया? प्रदेश की सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा के हर हित की सरकार है और हर हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। आप सोचते हो इतने साल आप लोगों ने राज किया, ये चीजें अब क्यों निकल के आ रही है? अगर आप इनको सब 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 पहले ही छोटा उठ सवाल का जवाब दे दीजिए, सदस्यता को लेकर सवाल था है आपके 10 साल लगातार की सरकार में। मैं अनामिका बताता रहा हूं, मैं सरकार अपना काम तो कर ही रही है ना। इनको इनको क्या लगता है कि जो जितने सारे हितैषी फैसले लिए कांग्रेस सरकार लेके गई क्या? अगर मैं वही चीज ही पे आ रहा हूं, अगर ये सब चीज ठीक हुई होती तो आज हमें ये चीज देखना ही नहीं पड़ता। क्यों 10 साल की सरकार पीछे रही है, तो 10 साल का इन लोगों ने इन्होंने क्या किया? चले कौशिक साहब, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड और दे रही हूँ आपको, 10 सेकंड और दे रही हूँ डीपी कौशिक। कल होने वाले विशेष सत्र में चंडीगढ़ पर जंग के अलावा चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के लिए आप लोग निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे क्या, ये सवाल? और इसके अलावा SYL जैसे तमाम दूसरे मुद्दों की गूंज भी रहेगी सदन के भीतर पूरा? अनामिका एक बता रहा हूँ, सरकार पूरी तरह से सारे विषयों पर चर्चा करेगी और जो जो संभव होगा वो सारे काम करने को तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। तो चंडीगढ़ की जंग पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज, बने रहिए हमारे साथ।